जामी टीवी के मुअज्ज़ज़ दोस्तों और इस वीडियो के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तारीकी में हमले का दिन के उजाले में जवाब, पाकिस्तान ने भारत का पहला सरप्राइज देते हुए दो इंडियन त्यारे मार गिराए थे। एक त्यारे का मलबा मकबूजा कश्मीर की हदूद में जबकि दूसरे का मलबा पाकिस्तानी हदूद में गिरा था, जबकि एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उस हमले में दो त्यारे उनके तबाह हो गए थे। क्या आप जानते हैं उनकी कीमत क्या थी, भारत को उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा? ये आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तफसील में जाने से पहले मेरे नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल शामी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। पाक फ़ज़ाइया की जानदार कार्रवाई में तबाह होने वाले त्यारे MiG-21 थे, जो दरअसल एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो कि मैक्यूआन ग्रेविच की जानब से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें R-25 का ट्रेवल जेट नसब होता है, जो इस त्यारे को 1350 मील फी घंटा की रफ्तार अबूर करने की सलाहियत देता है। एडवांस रिडार सिस्टम के मुतारफ होने से पहले यह त्यारा लॉन्च हुआ था, जो कि खास तौर पर घात लगाकर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। रवायती जंग के लिए इस त्यारे पर फोर्सेस का इंसार इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी स्पीड पर मुख्तसर होते हुए पायलट अचानक टारगेट को निशाना बना सकता है और मुखालफ के जवाबी हमले से पहले ही टारगेट की जगह से वापस भी आ सकता है। MiG-21 की कीमत 2.9 मिलियन डॉलर्स थी जब 1959 में इसे बनाया गया था, जबकि अब इसकी कीमत 25.1 मिलियन डॉलर्स अबूर कर चुकी है। गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने कार्रवाई करते हुए दो MiG-21 त्यारे मार गिराए। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो भारत को इन त्यारों के तबाह होने से 50 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।